Hello and welcome dear students on my YouTube channel. Today I am going to discuss chapter 5 of class 7, that is heat. Aaj hum chapter heat ke bare mein padhenge. We are all familiar with the sensation of hot and cold. Hum sabhi hot and cold cheezon ke bare mein jante hain. Garmi ke dinon mein jab farsh बहुत गर्म हो जाती है तब उस पर हम खाली पैर नहीं चल सकते, हमें अनइजीनेस लगता है, हमारे पैर जलने लगते हैं, और वही फर्श ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. वी एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी थ्रू इट्स टेम्परेचर. किसी भी बॉडी के हॉटनेस को हम उसके टेम्परेचर के द्वारा बताते हैं. अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉडी ज़्यादा हॉट होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी कम हॉट या कूल होगी. हीट एज एनर्जी. वी नो फ्रॉम आर डेली एक्सपीरियंस दैट अ बॉटल ऑफ आइस कोल्ड मिल्क लेफ्ट ऑन अ बॉटल ऑन अ हॉट समर डे सून वार्म्स अप. हम जानते हैं कि अगर टेबल पे आइस कोल्ड मिल्क यानी बहुत ठंडा दूध रख दिया जाए तो थोड़े देर में वो गर्म होने लगता है, और उसी टेबल पे अगर हम हॉट मिल्क यानी बहुत गर्म मिल्क रखते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी बॉडी है और उसके आसपास का टेम्परेचर उस बॉडी के टेम्परेचर से डिफरेंट है तो हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और ये हीट ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक बॉडी और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है. और इसी एक्सपीरियंस पे दो बातें सामने आईं. द फर्स्ट इज़ हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है अगर दोनों बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस है तब. और दूसरी बात ये सामने आई कि हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू दैट ऑफ अ लोअर टेम्परेचर. कोई बॉडी अगर गर्म है तो हीट ज़्यादा गर्म है तो उसकी तरफ से हीट कूलर बॉडी की तरफ फ्लो करती है. Let us perform an activity which shows that heat is a form of energy and it can be converted into other forms of energy. यहाँ एक एक्टिविटी दिया गया है जिसमें फ्लेम पर एक पतीले में आधा पानी भरकर रखा गया और उसको ढक्कन से ढक दिया गया. जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें स्टीम बनता है, और थोड़े देर के बाद आप देखेंगे कि स्टीम की वजह से ये ढक्कन ऊपर जाने लगता है, ऊपर नीचे गिरने लगता है. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टीम इस लिड को राइज करने में उठाने में सक्षम होता है. इस तरह से यह एक मैकेनिकल वर्क करता है. सो वी कैन से दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क. डू यू नो इन अर्ली डेज हीट वॉज कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड. पहले के ज़माने में हीट को एक फ्लूइड जैसा कंसिडर किया जाता था जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता था, और इसका नाम कैलोरीफिक दिया गया था. लेकिन बाद में कुछ फिजिसिस्ट जैसे डेवी, काउंट रमफर्ड एंड जूल जैसे फिजिसिस्ट ने ये प्रूव किया कि ये गलत है और हीट कोई फ्लूइड नहीं है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. हीट एंड टेम्परेचर. वी ऑफन ऑब्जर्व दैट When we heat a body, its temperature rises. हम अगर किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करता है. इससे हमें यह समझ में आता है कि हीट एंड टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड हैं. हीट इज़ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी दैट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है किसी बॉडी का जो उसके पार्टिकल्स यानी उसके मॉलिक्यूल्स के मोशन के कारण होता है. अगर किसी बॉडी को हम ज़्यादा हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स का मोशन फास्टर तेज गति से होने लगता है, और अगर उसे कूल करते हैं तो उसका मोशन स्लोअर यानी धीमी गति का हो जाता है. टेम्परेचर हीट का इंडिकेटर मात्र है. इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट. हीट के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं किसी बॉडी पर,
उसको हम अभी इधर देखेंगे. व्हेन अ बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर ऑब्जर्व टू टेक प्लेस. अगर किसी बॉडी को हीट किया जाए तो उसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं. सबसे पहले हम फिजिकल चेंजेस को देखेंगे. चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है. और अगर उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम हो जाता है. चेंज ऑफ स्टेट, हीट के एडिशन एंड रिमूवल के कारण किसी भी बॉडी का स्टेट, यानी अगर वो सॉलिड, लिक्विड या गैसीय स्टेट में है तो उसका स्टेट चेंज हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वाटर को लें तो लिक्विड वाटर को अगर हम फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड में यानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर उसे ज़्यादा गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो स्टीम या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि गैसियस फॉर्म है. नाउ अबाउट थर्मल एक्सपेंशन. मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन टू एक्सपैंड ऑन हीटिंग. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन. अधिकतर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हीट होने पे एक्सपैंड होते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, और इसी फिनोमिनन को थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है. उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है कि कोई एक व्हील का कार्ट का व्हील है, किसी कार्ट के पहिए में अगर एक मेटल का रिम चढ़ाना हो तो उस मेटल के रिम का डायमीटर व्हील के डायमीटर से कम होता है. जब उस मेटल के रिम को रेड हॉट किया जाता है तो वो एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड होता है. उसके बाद उसको व्हील पे इजीली लगा दिया जाता है. उसके बाद जब ये ठंडा होता है तो वापस कंट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण वो व्हील को बहुत अच्छे से ग्रिप कर लेता है, टाइटली उसको पकड़ लेता है. अबाउट द केमिकल चेंजेस, मैनी केमिकल चेंजेस टेक प्लेस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट्स आर हीटेड अप. अधिकतर केमिकल चेंजेस उस समय होते हैं जब रिएक्टेंट्स को गर्म किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेबोरेटरी में अगर पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज ऑक्साइड के साथ फ्लेम पे हीट किया जाए तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. मैंगनीज ऑक्साइड एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है. कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी रिएक्शन को फास्ट होने में हेल्प करते हैं. डू यू नो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आइस एंड कास्ट आयरन आर टू ऑफ द फ्यू सॉलिड्स दैट कंट्रैक्ट ऑन हीटिंग. आइस एंड कास्ट आयरन ऐसे दो सॉलिड्स हैं जो हीट होने पे कंट्रैक्ट होते हैं. अगर वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडा किया जाए, यानी उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगे, तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, वो एक्सपैंड करने लगता है. इसी प्रॉपर्टी के कारण हम ये बात समझ सकते हैं कि ऐसे प्रदेशों में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ बर्फ पड़ती है, ऐसे स्थानों पर पानी के पाइप फट जाते हैं जब वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा लो जाता है. इसी कारण से सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल को अगर बहुत देर तक हम फ्रीज़र में रख दें तो वो क्रैक हो जाता है. और इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इवन एट प्लेसेस वेयर द सराउंडिंग एटमोस्फेरिक टेम्परेचर गोज डाउन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. बहुत ठंडे प्रदेशों में जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो आप देखते होंगे कि नदियों और तालाबों के पानी का सबसे ऊपरी सतह बर्फ बन जाती है और उसके अंदर का पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है. ऐसा होने से बाहर के टेम्परेचर की तुलना में लिक्विड वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं. नाउ अबाउट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. कई बार हम टेम्परेचर के बारे में अनुमान लगाते हैं, जैसे आज ज़्यादा गर्मी है या आज ज़्यादा ठंड है, इस तरह का अनुमान. या फिर किसी के बॉडी को छूकर, अगर उसका बॉडी नॉर्मल से ज़्यादा हॉट लगता है तो हम कहते हैं लगता है आज इसे बुखार है. या रेफ्रिजरेटर से ट्रे निकालते वक्त हमें लगता है कि ये बहुत ठंडा है. लेकिन क्या ये मेज़रमेंट एक्यूरेट है? ये मेज़रमेंट एक्यूरेट नहीं है, और कई बार हमें एक्यूरेट टेम्परेचर को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है, और तब हमें ऐसे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो टेम्परेचर को मेज़र कर सकें एग्जैक्टली. ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है थर्मोमीटर्स.
हेयर इज एन एक्टिविटी टू। इस एक्टिविटी में आपको बताना है कि पेरेंट, चाइल्ड, डॉक्टर एक्सेट्रा के द्वारा टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेज़र करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नाउ अबाउट द थर्मोमीटर, वी फाइंड दैट मैनी ऑफ द प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल एक्सपेंशन, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स चेंज विथ टेम्परेचर इन अ रेगुलर एंड सिस्टमैटिक मैनर। हम जानते हैं कि टेम्परेचर के चेंज के साथ साथ बहुत सारे मटेरियल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है टू मेज़र टेम्परेचर। सबसे सिंपलेस्ट थर्मोमीटर जिसके बारे में हम जानते हैं वह है मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर। यह मर्करी के थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड होता है। मर्करी थर्मोमीटर यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ नैरो कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास दैट इज क्लोज्ड एट इट्स अपर एंड एंड हैज़ अ बल्ब एट इट्स लोअर एंड। मर्करी थर्मोमीटर एक पतला ग्लास का कैपिलरी ट्यूब के जैसा होता है जो ऊपर से बंद होता है और इसके नीचे के भाग में एक बल्ब होता है जिसमें मर्करी होता है। मर्करी एक लिक्विड मेटल है जो सिल्वर कलर का होता है। इस कैपिलरी में शाइनिंग सिल्वरी थ्रेड की तरह मर्करी होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब इसके बल्ब के पास कोई गर्म चीज़ आती है, हीट होता है, तो ये मर्करी का थ्रेड एक्सपैंड करता है, बड़ा होता है। और दिस इन टर्न डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ विच द थर्मोमीटर बल्ब हैज़ बिन पुट इन कंटैक्ट। थर्मोमीटर के बल्ब को जिस टेम्परेचर, जिस बॉडी के टेम्परेचर के कंटैक्ट में रखा जाता है उसके हीट के अनुसार ये जो थ्रेड है मर्करी का ये एक्सपैंड करता है। अगर बॉडी ज़्यादा हॉट होगी तो ज़्यादा एक्सपैंड होगा और कम हॉट होगी तो कम एक्सपैंड होगा। द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड कैन दस गिव अ मेज़र ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरह से मर्करी थ्रेड के लेंथ को देखकर हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। डू यू नो मर्करी एक्सपैंड्स इन अ यूनिफॉर्म वे एंड ऑल्सो रिमेन्स इन इट्स लिक्विड स्टेट ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज। मर्करी यूनिफॉर्म वे में एक्सपैंड करता है, लिक्विड स्टेट में रहता है और एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी ये लिक्विड स्टेट में ही रहता है। ये कैपिलरी के, ग्लास कैपिलरी ट्यूब के में कहीं भी चिपकता नहीं है और उसमें शाइनी सिल्वरी लिक्विड की तरह नज़र आता है। नाउ रीडिंग ऑफ अ थर्मोमीटर, मेजरमेंट के पर्पज़ से टेम्परेचर स्केल को कैलिब्रेट कर दिया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ। अपने पर्पज़ के अनुसार या थर्मोमीटर के यूज़ के अनुसार थर्मोमीटर के ऊपर दो रेफरेंस पॉइंट्स चूज़ किए जाते हैं जो कि उसके हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर को शो करता है और इन्हीं दोनों रेफरेंस पॉइंट्स के टेम्परेचर के डिफरेंस को, यानी कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के डिफरेंस को रेंज कहते हैं और इन्हीं दोनों फिक्स्ड पॉइंट के बीच के पार्ट को इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है जो टेम्परेचर को मेज़र करने में हेल्प करते हैं। थर्मोमीटर को दो स्केल्स में हम देखते हैं कॉमनली। फर्स्ट वन इज़ फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेकेंड इज़ सेल्सियस स्केल। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में सेल्सियस स्केल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डू यू नो द टेम्परेचर टी इन डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू टेम्परेचर टी इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 टाइम्स 5/9। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो यहाँ उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 होल मल्टीप्लाइड बाई 5/9। कंपेरिजन ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल, यहाँ नॉर्मल रूम टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल में दिया हुआ है। द टेम्परेचर एट अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 23 डिग्री सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट इज 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 36.9 डिग्री सेल्सियस एंड 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट स्केल वाटर बॉइल्स एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड फ्रीजेस एट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है. जो नॉर्मल स्कूल लेबोरेटरीज में थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं उनका रेंज 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है. टू फाइंड द रेंज एंड लीस्ट काउंट ऑफ डिफरेंट थर्मोमीटर्स, आपको यहाँ अलग अलग थर्मोमीटर के रेंज और उसके लीस्ट काउंट को लिखना है. लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एज पर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हम मेज़र कर सकते हैं वो होता है उसका लीस्ट काउंट. और इसको निकालने के लिए आप एक फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू मार्क्ड रीडिंग्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन देम. नाउ अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर. वी यूज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड एंड कैलिब्रेटेड मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. सच अ थर्मोमीटर इज़ नोन एज क्लिनिकल और डॉक्टर्स थर्मोमीटर. हम मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर को ही एज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर या डॉक्टर्स थर्मोमीटर की तरह यूज़ करते हैं. द क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफर्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मर्करी इन ग्लास लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन टू रिस्पेक्ट्स. दो तरह से ये थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अलग होते हैं. पहला, इट इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली. यह केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का तापमान ही माप सकता है. दिस इज सो बिकॉज दिस इज़ द रेंज ओवर विच द टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी कैन वैरी. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर इसी बीच रहता है. सेकेंड वन इज़, इट हैज़ अ स्लाइट बेंट और अ किंक इन इट्स कैपिलरी ट्यूब. इसके कैपिलरी ट्यूब में एक छोटा सा बेंट या एक किंक होता है. द किंक इज़ गिवन द नेम कंस्ट्रिक्शन और इस किंक का नाम है कंस्ट्रिक्शन. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कभी हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो मर्करी थ्रेड एक बार बढ़ने के बाद एकदम से नीचे नहीं आ जाए, हम उसको रीड कर सकें, कम से कम उतनी देर वो वहाँ रुक सके. और उसके बाद जब हम उसे अपने हाथ में लेकर झाड़ते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए तो वह नीचे आ जाता है. डू यू नो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बहुत सारे हेल्दी लोगों के बॉडी टेम्परेचर का एवरेज निकाला गया और यह है 36.9 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. ए बॉडी टेम्परेचर चूज टू 40 डिग्री सेल्सियस और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इंडिकेट्स ए कंडीशन ऑफ हाई फीवर. जब बहुत तेज बुखार हो जाता है तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है. Nowadays, a digital electronic thermometers are preferred over a conventional mercury thermometers. आजकल एक डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज़ होता है. These thermometers are easy to read as they give LCD display of the temperature of the person. They are also mercury free. इनको रीड करना बहुत ईजी होता है क्योंकि इस ऐसे में टेम्परेचर आपको डिजिट्स में नंबर्स में मिल जाता है और इसमें मर्करी नहीं होता है. एक्टिविटी 4, टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. बिफोर मेजरिंग अ बॉडी द बॉडी टेम्परेचर वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए सबसे पहले थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धो लेना चाहिए और उसके बाद उसे जर्क देने चाहिए. उसे हाथ में अच्छे से पकड़कर दो तीन जर्क्स देने चाहिए जिससे मर्करी वापस अपने बल्ब में आ जाए या फिर 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए. उसके बाद इसे बहुत ही आराम से टंग के नीचे रख देना चाहिए 1 मिनट तक के लिए
और उसके बाद उसको जब हम वहाँ से निकालेंगे तो हम उस टेम्परेचर की रीडिंग को रीड कर सकते हैं। कॉशन, द पर्सन अंडर ऑब्जर्वेशन मस्ट क्लोज हिज हर माउथ अराउंड द थर्मोमीटर बल्ब वेरी जेंटली। जो भी थर्मोमीटर अपने मुंह में लिए रहते हैं उन्हें अपने माउथ को बहुत ही आराम से बंद करना चाहिए, जिससे कि वो ग्लास का बल्ब या ग्लास का ट्यूब नहीं टूटे। और छोटे बच्चों के मुंह में हमें ये मर्करी थर्मोमीटर भूल कर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये नॉलेज नहीं होता है कि वो उसे दांतों से नहीं तोड़ें। अगर वे ऐसा कर देंगे तो मर्करी उनके मुंह में, उनके बॉडी में चला जाएगा, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। छोटे बच्चों के बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर का बल्ब उनके आर्म पिट में दबाया जाता है। सो हियर इज़ एन एक्टिविटी, आपको बॉडी टेम्परेचर नापना है कुछ लोगों का। एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ हीट।